and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need... Hi friends, तो कैसे हैं? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी समय के बाद फिर से एक नया प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेके आ गए हैं आपके लिए, जिससे आपको उस प्रोडक्ट के बारे देखने और समझने में काफ़ी आसानी होगी हमारे वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए वीडियो में, और हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने के लिए बार बार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वो प्रोडक्ट है जिसका हम लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं, वो होने वाला है जेब्रोनिक्स का टावर स्पीकर, जिसे ट्रॉली डीजे स्पीकर भी कहते हैं। प्रोडक्ट होने वाला है हमारा जेब्रोनिक्स का ट्रॉली डीजे स्पीकर जेब जोल्ट प्लस। तो फ्रेंड्स, काफ़ी नया प्रोडक्ट ये आया है, और जैसे कि देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी नया है, 3/2023 का है, और लॉन्च भी काफ़ी रिसेंटली ही हुआ है ये। और इसमें फ्रेंड्स बैकअप भी हमें मिल जाता है, इसे आप आसानी से कहीं भी ले जाके बजा सकते हैं, और इसमें लगभग आपको 4-5 घंटे का बैकअप होता है। तो पूरा स्पेसिफिकेशन इसका पूरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। सबसे पहले इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे ऊपर में हमें मिल जाता है रिमोट कंट्रोल, और यूज़र मैनुअल के लिए आप इसे स्कैन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमें मिल जाता है इसमें 2 माइक, वो भी कॉर्डलेस माइक है। और फ्रेंड्स, उसके बाद हमें मिल जाता है इसमें 2 माइक स्टैंड, और साथ में ऑक्स केबल और एक मेन कोड। तो इसे रखते हैं साइड में, और सबसे पहले मेन यूनिट को निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल फर्स्ट लुक हमारा प्रोडक्ट का यही है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फर्स्ट लुक है इसका। सामने में जो मेस दिया गया है, काफ़ी अच्छा मेटल का है, आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा, जिससे काफ़ी हेवी हो जाता है। और साइड में और पीछे में जो इसका बॉडी बनाया गया है, ये प्लास्टिक मटेरियल का है, और काफ़ी मजबूत मटेरियल है ये। और जैसे कि ये ट्रॉली स्पीकर है, तो इसमें 2 व्हील भी दिए गए हैं। इसमें जो ट्रॉली का हैंडल दिया गया है, ये भी काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल है, एक बार भी ये लैक नहीं करता है, काफ़ी आसानी से निकलता है और आसानी से घुस भी जाता है। कुछ कुछ ट्रॉली में आप देखिएगा कि कभी कभी आपको वो फंसता है, लेकिन वैसी समस्या इसके साथ नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा बात है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें मिल जाता है 8 इंची का 2 स्पीकर, और स्पीकर के साइड में LED लाइट लगे हुए हैं, जो काफ़ी अलग अलग ऑप्शन के साथ वो वर्क करते हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, एक DJ का लुक आता है, और उसे आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं लाइट को, और अलग अलग पैटर्न पे उसे जला भी सकते हैं। तो टोटल इसमें 3 पैटर्न मिल जाता है हमें। तो फ्रेंड्स, बिल्ड क्वालिटी आपको बता दिया, फर्स्ट लुक भी बता दिया, और भी जो है उसे डिटेल से आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ऑन ऑफ का स्विच आपको मिल जाता है ऊपर में ही, और मेन कोड के लिए यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, मेन कोड आप यहाँ पे हम लोग इसे प्लग कर सकते हैं और इसे चार्ज में लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, मिल जाता है हमें वॉल्यूम का बटन, जिसे हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम पे कर सकते हैं, और साथ में ये यहाँ पे इंडिकेट भी करेगा कि वॉल्यूम कितने पे है। तो 0 से लेके हाईएस्ट में ये 32 तक जाता है। फ्रेंड्स, माइक का भी हमें यहाँ वॉल्यूम मिल जाता है, और साथ में इको को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ में बेस और ट्रेबल के लिए भी मिल जाता है। और फ्रेंड्स, एक सबसे अच्छा बात इसमें दिया गया है कि एक्सटर्नल हम लोग DC सप्लाई भी इसमें दे सकते हैं, मतलब अलग से भी बैटरी हम लोग इसमें कनेक्ट करके इसका बैकअप को और लंबा कर सकते हैं। ये भी एक काफ़ी अच्छा है फंक्शन, क्योंकि अगर कभी आप कोई प्रोग्राम आपका बहुत लंबा हो जाता है, तो स्पीकर की इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो आपको उसके लिए एक्सटर्नल बैटरी आप इसे यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें हमें एक रिकॉर्ड एंड प्ले का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिससे हम लोग रिकॉर्डिंग भी इसमें कर सकते हैं। और माइक्रो SD कार्ड के लिए यहाँ पे स्लॉट दिया गया है, USB के लिए यहाँ दिया गया है,
और ऑक्स इन के लिए भी दिया गया है। और बात कर ले इसके बटन का, तो प्रीवियस और नेक्स्ट के लिए दिया गया है, साथ में मोड चेंज करने के लिए दिया गया है, और फ्रेंड्स प्ले और पॉज के लिए भी दिया गया है, और माइक प्रिपरेशन के लिए भी दिया गया है, और रिकॉर्ड एंड प्ले के लिए, और लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए भी दिया गया है, और उसे अलग अलग मोड पे जलाने के लिए भी दिया गया है, और ट्यून सेट करने के लिए भी इसमें दिया गया है। तो कुल मिला के लगभग सारे फंक्शन इसमें दिए गए हैं। जैसा कि पिछला वीडियो में आपको एक फिलिप्स का अनबॉक्स करके दिखाया था, तो उसमें वॉयस फेडर दिया गया था जो इसमें नहीं दिया गया है, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और फ्रेंड्स इसमें हमें सबसे ज़रूरी चीज़ कि हमें मिल जाता है 100 वाट का RMS, और जो मैक्सिमम मेमोरी सपोर्ट करेगा ये 32 GB, और इसका डायमेंशन दिया गया है आप देख सकते हैं, और नेट वेट ये 9.2 kg है इसका। और फ्रेंड्स बात कर ले इसका बैकअप का, तो हमें 7.5 आवर का बैकअप मिल जाता है बैटरी का जो इसमें इनबिल्ट है। और फ्रेंड्स वो बैटरी हमारा काम करेगा 7.5 घंटा उसी कंडीशन में जिस अगर हम इसे 50% वॉल्यूम पे चलाते हैं तो, और वो भी LED ऑफ होना चाहिए तब ये उतना देर चलेगा, और मैक्सिमम वॉल्यूम पे चलाइएगा तो मेरे ख्याल से 3 घंटा के आसपास आपको बैकअप आराम से मिलेगा, जो काफ़ी सफिशियंट है। और इसमें जो स्पीकर लगे हुए हैं ये 25.4 cm के हैं। फ्रेंड्स बात कर लें सारे फंक्शन हमें साथ में रिमोट में भी मिल जाते हैं, और रिमोट में हमें एक्सटर्नल मिल जाता है 1, 2, 3, 4 के लिए, जो कि आप अगर बाय चांस USB से अगर प्ले करते हैं तो आपको सॉन्ग चेंज करने में इसका ज़रूरत पड़ता है। तो फ्रेंड्स अब इसका आपको वॉल्यूम सुनाते हैं कि इसका आवाज़ कैसा है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा साउंड आपको, क्योंकि साउंड तो काफी अच्छा लगा मुझे। और फ्रेंड्स बात कर ले इसका प्राइस रेंज का, तो 21,000 रुपया इसका MRP है, 21,999 रुपया, मतलब 22,000 रुपया, और लगभग उसके 50% आपको इसमें डिस्काउंट हमेशा मिल जाएगा, लवादे दाम में आपको आराम से ये मिल जाएगा। और फ्रेंड्स 1 ईयर का इसमें आप वारंटी मिल जाता है आपको, वो भी ऑन साइट वारंटी, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और फ्रेंड्स साउंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका, क्योंकि बेस भी काफ़ी खुल के आ रहा है इसका, और जो ट्रेबल है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिला के फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा एक बजट में टावर स्पीकर ये होने वाला है DJ, जिसमें आपको लगभग 7 घंटे का बैकअप मिल रहा है, 50% वॉल्यूम में इसे आप आसानी से बजा सकते हैं, और 3 घंटे 3.5 घंटे का बैकअप आपको मिल जाएगा फुल साउंड में इसे बजाने में। तो फ्रेंड्स कैसा लगा प्रोडक्ट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है उससे नया नया वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया प्रोडक्ट को लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।